झारखंड में नशे के खिलाफ कार्रवाई में बीते 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। सीआईडी के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के नवंबर महीने तक हुई कार्रवाई में ही गौर करें तो नशे के खिलाफ न सिर्फ सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं बल्कि नारकोटिक्स के केस में सर्वाधिक गिरफ्तारी भी साल 2020 में ही हुई है। हाल के दिनों में झारखंड पुलिस के तरफ से राज्य के सभी जिलों से दुष्कर्म के पीछे की वजहों को जुटाया गया था, जिसमें यह सामने आया था कि नशा की वजह से सबसे ज़्यादा दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया गया है। यही वजह है कि अफीम हो या फिर दूसरे तरह के नशे के सामान, सबको नष्ट करने के लिए डीजीपी खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग सीधा डीजीपी महोदय के द्वारा ही किया जा रहा है, लगातार उनके द्वारा भी हर प्रतिदिन, कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन उनके द्वारा फिगर खुद न देखा जाता हो। तो हम लोग इस अभियान को बहुत सीरियसली कर रहे हैं। आपको यही बताना चाहूँगा, जैसा हम लोग की अपनी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं नशा का जो लिंक है वो महिलाओं से संबंधित अपराध से भी होता है, तो इसलिए भी सभी लोगों को एक निर्देश जा चुका गया दिया गया स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पूरे सीरियसनेस के साथ हम लोग इस अभियान को करेंगे और हम लोग अपने आप को दिखाएंगे कि हम लोग इसको सफलतापूर्वक कर रहे हैं। साल 2020 के आंकड़ों का अगर हम जिक्र करते हैं तो सबसे ज़्यादा अफीम की फसल को पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया। साल 2020 में नवंबर महीने तक पुलिस ने 341 केस दर्ज कर 462 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वर्तमान में भी बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की सूचना पुलिस को मिल रही है, जिसके बाद सीआईडी और झारखंड पुलिस के दूसरे विंग्स भी अलर्ट मोड पर हैं। बाहर स्टेट से जो लोग आकर यहाँ से अफीम वगैरह खरीद कर ले जा रहे हैं, उनके भी कार्रवाई रेगुलरली हो रही है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ फंड अलॉट किए हैं जिसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम्स भी खरीद रहे हैं, ये विशेषकर ये अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए। और वो प्रपोजल रेडी हो गया और शीघ्र ही डिस्ट्रिक्ट को वो फंड अवेलेबल कराए जाएंगे ताकि वो सामान अवेलेबल कराया जाएगा ताकि अफीम की खेती पर रोक लग सके। और पुलिस इस बारे में काफ़ी अवेयर है और जहां भी दिखाई पड़ रहा है वहां इस पर कार्रवाई की जाएगी। अफीम की पैदावार पर झारखंड पुलिस की कड़ी नज़र है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अफीम के फसल से ही नक्सली करोड़ों रुपए कमाते हैं। यही वजह है कि पुलिस लगातार अफीम के खेतों पर ध्यान दे रही है और उन्हें नष्ट कर रही है। प्रशांत कुमार, ईटीवी भारत, रांची।